आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल में और एक्सेल के हम कुछ बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट को जानेंगे। इसमें जैसे कि आपके पास एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं और हम बात सबसे पहले करते हैं आपका ये ऑटो सुमार क्लियर पे। जैसे सबसे पहले देखिए ऑटो सम के बारे में बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं और उनका मुझे अगर सम करना होता है तो आप जो सम अगर लिखते हैं वो सम अगर लिखने के बजाय आप ऑल्ट इक्वल प्रेस कर ले तो आप यहाँ पे लिखा टोटल आ जाएगा, जस्ट ऑल्ट इक्वल। ऑल्ट इक्वल अगर मान लीजिए सम के अलावा कुछ और चाहिए तो यहाँ पे आपको एवरेज मिल जाएगा, एवरेज अप्लाई कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट नहीं है, आपको डिफॉल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और मॉर्निंग उसके सर। बाद गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर वो रिकॉर्डिंग की परमिशन दीजिए। हाँ दे देता हूँ। तो यहां से आप ऑटो सम कर सकते हैं। ऑटो सम के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर कोई और फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग ऑटो सम के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑल्ट प्लस इक्वल करके। अब बारी आती है हमारे पास फिल की। अब जैसे कि मान लीजिए आप हमेशा मुझे देखता होगा देखते होंगे आप मुझे कि मैं लाइन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूँ और लगाने के बाद इस तरह सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला पूरा फिल हो जाता है। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला हम क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल आर करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल आर और कंट्रोल डी, जिससे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे तो होता है क्या है, क्या बताता हूँ आपको, ये देखिए अब यहाँ पे हमने यहाँ देखिए फिल्म में हमारे पास कंट्रोल डी था तो कि कंट्रोल डाउन की तरफ हो गया और जो सिलेक्टेड है उसका हमने कंट्रोल आर किया तो राइट की तरफ हो गया। तो कॉपी पेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर। हालांकि अप और लेफ्ट भी है लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है तो इसको अपना हम लोग ज्वाइन नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्रॉस वर्कशीट जो है हाईलाइटेड है, नहीं हाईलाइटेड है, चलिए क्रॉस वर्कशीट को पहले समझते हैं फिर हम आगे शीट की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, कई सारे शीट्स हमारे पास यहाँ है और मुझे हर शीट पे कुछ लिखना है। जैसे मैंने एक शीट तो मान लीजिए यहाँ पे डेट दे दिया हुआ है, डेट दे दिया हमने हर चीज में,
और मुझे एक डेट जो है मुझे हर सीट पे डालना है। तो उसके लिए क्या है कि आप एक कॉपी करके जो आप एक एक जाएंगे कि पीस सेट पे जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप उसको कॉपी करें और आप अगले सीट पे जाएं और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट करें। जब आप शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट करते हो तो बीच में जितने भी सीट होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ आपको ग्रुप दिखेगा। हालांकि आप कंट्रोल प्रेस करके भी कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको 1 by 1 करना पड़ेगा, तो इसलिए कंट्रोल प्रेस करके हम नहीं करते हैं, शिफ्ट के साथ करते हैं अगर हमें पूरी शीट सिलेक्ट करनी होती है। और फिर यहाँ पे मैं कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ, तो जो मतलब जब सीट सिलेक्टेड है इसे जो भी मैं करूंगा वो हर शीट पे इफेक्टेड होगा सेम लोकेशन से। ये आपका अक्रॉस वर्कशीट कहलाता है, लेकिन कॉपी पेस्ट के अलावा अक्रॉस वर्कशीट में कुछ फंक्शंस है, जैसे कि चिपके सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, कॉपी पेस्ट ना करके आप अक्रॉस वर्कशीट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसलिए आपको फीचर भी मिलेगा कि ऑल जैसा डेटा है उस तरह से करना चाहते हैं या कंटेन, मतलब कि इसकी जो डेटा है सिर्फ डेटा करना चाहते हैं, या फॉर्मेट्स इसकी जो फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा चॉइस करेंगे उस तरह से आपका होगा। मैंने फॉर्मेटिंग चॉइस किया तो फॉर्मेटिंग पे हुआ, अब इससे आगे बढ़ते हैं अक्रॉस वर्क सीरीज की बात करते हैं हम। तो जैसे कि मैंने 1 लिखा 2 लिखा, उसको आप नीचे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं आपका सीरीज बन जाता है, लेकिन इसको इसका ऑप्शन कहाँ है, इसका ऑप्शन यहाँ सीरीज के ऊपर है, सीरीज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लीनियर है स्टॉप स्टेप वैल्यू, और यहाँ पे आप स्टॉप वैल्यू भी दे सकते, जरूरी नहीं है क्योंकि दे सकते, जैसे मैं 5 दे दिया तो 5 तक ही सिक्वेंस बनेगा, अगर हम यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं देते हैं तो जितना सिलेक्टेड है उतना बनेगा। और यहाँ हम स्टेप सीरीज में जो हमारा स्टेप वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं तो फिर 2-2 का गैप आएगा, और फिर अगर सीरीज यहाँ पे सीरीज में यहाँ आपका लीनियर है, अगर मैं ग्रोथ कर देता हूँ, लेकिन ग्रोथ करने के बाद यहाँ पे नंबर 1 के अलावा कोई और रखना पड़ेगा वरना वही सेम आ जाता है, तो एक क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह से आएगा आपका। तो एक मल्टीप्लीकेशन आपका यहाँ पे सीरीज में चलता है, लेकिन सीरीज का इस्तेमाल इस चीजों के लिए नहीं करते हैं, हम करते हैं डेट के लिए, जैसे कि सिलेक्टेड एरिया में ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कोई डेट डाल देता हूँ, जैसे हम लोग जनरली डेट हम लोग ड्रैग करते हैं या सीरीज से जाके लेते हैं डेट तो पूरा डे आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें डेट की जरूरत मतलब कि डेट में सैटरडे संडे की जरूरत नहीं होती है, डेट में सैटरडे एंड संडे की जरूरत हमें नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं सीरीज में जाते हैं और यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं वीक डे,
वीकडे सेलेक्ट करने पे देखिए सैटरडे एंड संडे नहीं आएगा, यानी कि 5 और 6 नहीं आए, तो सैटरडे संडे का डेट वो स्किप कर देता है सीरीज। सीरीज के बाद बात करते हैं जस्टिफाई की। चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट डाला और हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, या फिर नाम किसी का नाम भी डालता हूं मैं नाम कुछ नेम की लिस्ट बनाता हूं, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इन सबको ज्वाइन करना कि पूजा स्पेस या कॉमा जो भी सेपरेटली देना है सेपरेटली दे दीजिए, नीरज इस तरह से करना है। हालांकि 2016 तक इसके लिए कोई फीचर नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, आप एक एक करके कॉन्केटनेट लगाते थे, लेकिन 2019 में कॉन्केटनेट और टेक्स्ट ज्वाइन नाम के दो फॉर्मूले आ गए हैं, लेकिन मेरे पास सिस्टम में अभी नहीं है तो मैं बाद में बता दूंगा इसके बारे में, लेकिन उसके बगैर भी हम कर सकते हैं। आपको कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करना है, जितना में आप उतना बड़ा करना है जितना में आपका पूरा फिगर अट जाए आ जाए, तो उसके बाद इसमें करना है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कॉलम आपका में डेटा डाल देगा, इकट्ठा कर देगा एक ही सेल में, जितना बड़ा कॉलम की साइज होगा उसमें जितने सेल की वैल्यू आएगी उतना डाल देगा, तो मतलब कि छोटा है और आपने जस्टिफाई किया तो उसको 2 में कर देगा। उसी तरह से आपको एक्सटेंड करना है तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सर जैसे कॉलम का विड्थ होगा उतना वो डेटा पेस्ट करेगा। जी हाँ सही बोला आपने। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो जस्टिफाई का इस्तेमाल इसलिए होता है। अगला फीचर आता है हमारा फ्लैश पेज। फ्लैश पेज थोड़ा सा एडवांस फीचर है, इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं अपने ऑफिस की लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक डेटा है जैसे कि नेम का रवि, रवि नेम नेम मान लीजिए अपना नाम लेता हूँ सुजीत कुमार सिंह रवि खन्ना इंदर की गुप्ता, ऐसे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं जिसके फर्स्ट नेम है सेकेंड नेम है, मुझे इसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम अलग करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना है। तो जनरली इसके लिए आप लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है इसमें इसमें सुजीत लिखा और यहाँ पे एंटर नहीं, मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मार देता हूँ, कंट्रोल एंटर मार दिया या नॉर्मल एंटर ही मार सकते, कंट्रोल एंटर कोई खास नहीं है। इसके बाद में जाएंगे हम फ्लैश फील। जैसे हमने फ्लैश फील किया, यहाँ देखिए सुजीत रवि इंदर उदय सबका फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम के लिए जस्ट यहाँ पे एस लिखिए, लास्ट लिखिए कंट्रोल एंटर या नॉर्मल एंटर ही मार सकते हैं और यहाँ पे फ्लैश। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, एक सेकंड,
सॉरी सर, एक कॉल आ गया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या मैं यहाँ का जो मिडल नेम है ये मिडल नेम भी ले सकता हूं? क्या हम मिडल नेम भी ले सकते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ले सकते हैं कब, लेकिन सारे डेट में मिडल नेम हुआ तो। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें से मिडल नेम सिर्फ अलग करेंगे आप, तो होगा क्या कि यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैं सिर्फ पूजा दे देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने दे दिया कुमार एंटर, और यहाँ फ्लैश भी लगा आपने कर दिया, ठीक है। और जैसे आप इसको यहां से करेंगे फ्लैश फिल, तो उसमें दिक्कत क्या होगा? कुमार और फ्लैश प्रॉब्लम है, नहीं होता है क्योंकि सब में कुमार नहीं है, होगा भी तो फर्स्ट नेम उठा ले, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है सुजीत सर, आई हैव टू लीव, आई एम गेटिंग 5 मिनट्स लेट ऑलरेडी, कैन यू सेंड मी प्लीज द रिकॉर्डिंग? ओके ओके। तो इसमें आप समझ गए, फ्लैश में जरूरी नहीं कि आपका नेम भी जाता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट दे दिया हुआ है, जैसे कुछ डेट मैं दे देता हूँ, अब मुझे इस डेट का कुछ पर्टिकुलर पार्ट अलग करना है, तो भी हम फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें से मंथ अलग करना है, तो मैंने उस मंथ पहला मंथ लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, और फिर यहाँ से हमने फ्लैश फिल कर दिया, तो सबका मंथ अलग हो जाएगा। यही नहीं, अगर हमने नंबर डेसिमल से लिखा हुआ है, हेलो तो यहाँ पे हम सिर्फ डेसिमल प्लेसेस अलग करना चाहते हैं, तो हमने 0.36 रखा और कंट्रोल एंटर किया, या नॉर्मल एंटर भी कर सकते हैं, एंड फ्लैश फिल किया, तो देखिए सबकी डेसिमल प्लेसेस अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो है 25 रुपये 25 पैसा है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर मैं यहाँ पे हेलो अब यहाँ पे दिक्कत है सर, कि अगर आप यहाँ पे 0.05 करके एंटर मारते हैं और फिर फ्लैश फिल करते हैं, तो दिक्कत क्या होगा? क्या देखिए, ये फर्स्ट कोई उठा लेगा, तो आपके पास कंफ्यूजन ऐसी हो सकती है कि आपका जो मतलब कि दोनों पार्ट अलग एक ही हो, और आप लेकिन ये फर्स्ट के साथ चलता है। सर
फर्स्ट के साथ हमेशा चलता है, तो उस केस में क्या करेंगे। तो यहाँ इस चीज बताने का पर्पस ये है कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप शुरू में ही लिखिए, आप बीच में भी किसी को लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0.36 और आप एंटर मारने के बाद इसमें सिलेक्ट करके फ्लैश फिल कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल के ऊपर और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझसे आप पूछ लीजिए। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। फ्लैश फिल के बाद आती है बाटी क्लियर की। अब आज सुबह सुबह ही मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि सर डिलीट में और क्लियर में क्या अंतर है, मतलब इस सेल को मैं डिलीट कर देता हूं। तो जब डिलीट आप करते हैं तो आपका बाकी का जो है नीचे का जो ऊपर का साइड का वो शिफ्ट होता है, मतलब कि आपके पास अगर यहाँ 10,000 डेटा है, जब डिलीट करते हो तो 3 कॉलम डिलीट कर रहे हो आप, तो 3 कॉलम डेटा वो आगे से पूरे पीछे से आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट होता है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, अगर इससे कोई लिंक या कोई फॉर्मूला जुड़ा हुआ है तो वो आपका रेफरेंस का एरर देगा, क्योंकि वो रेफरेंस डिलीट हो चुका है। तो आप डिलीट ना करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में क्या करता है कि इस लोकेशन को डिलीट नहीं करता है, वो क्या करता है इसके डेटा को क्लियर कर देता है, इसमें जो डेटा फॉर्मेटिंग कुछ भी लगा है वो एवरीथिंग को क्लियर कर देता है। और क्लियर में आपके पास और भी फीचर्स है, क्लियर फॉर्मेट, जस्ट उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करेगा, क्लियर कंटेन मतलब कंटेन क्लियर करेगा, क्लियर कमेंट्स, अगर कोई कमेंट्स लगा हुआ है कमेंट करेगा, कोई हाइपरलिंक लगा हुआ है हाइपरलिंक क्लियर करेगा। तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो हमने आपके पास जो फिल का ऑप्शन है वो करा दिया। अब हम बात करते हैं शॉर्टिंग एंड फिल्टर की। तो शॉर्टिंग एंड फिल्टर के लिए हम डेटा वाली फाइल ओपन करते हैं। उससे पहले कोई डाउट वगैरह तो नहीं है आपको अभी सर? सॉरी ओके ये हमारा डेटा है। हम बात करते हैं शॉर्टिंग की। सबसे पहले जानिए हम शॉर्टिंग करते क्यों है। जनरली शॉर्टिंग के बारे में आप लोग तो अवेयर है ही, लेकिन शॉर्टिंग कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा, इसलिए बताना जरूरी है। तो शॉर्टिंग में क्या होता है, शॉर्टिंग में क्या होता है हमारा कि डेटा को किसी एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। डेटा को हम एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपके पास एक आप रिजल्ट देखने जाते हैं कि रिजल्ट लगा दिया जाता है और रिजल्ट आपके अल्फाबेटिक अगर शॉर्ट करके लगाया जाता है तो हर बच्चा अपने नाम के वाले सीक्वेंस को देखेगा, उसको पूरा लिस्ट देखने का जरूरत नहीं है ऊपर से नीचे तक। तो उसी तरीके से हम नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग या किसी नंबर को हाईएस्ट टू लोएस्ट या डेट के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, जैसे मान लीजिए रवि के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम उस पे कर्सर रखेंगे और यहां पे शॉर्ट ए टू जे या जेड टू में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करेंगे तो आपका पूरा डेटा शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ ए कि एक कॉलम के अकॉर्डिंग ना, एक कॉलम के अकॉर्डिंग ना, एक से ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको कॉर्पोरेट वाइज कैटेगरी वाइज मैंने इसको शॉर्ट कर दिया एक सिंगल कर्सर रख के, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए मेल फीमेल, मेल फीमेल के अरेंज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेल वाला पहले आए और फीमेल वाला फिर आए। तो उस केस में हम यहाँ पे कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे,
कस्टम शॉर्ट कैटेगरी और फिर एक लेवल को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम सब कैटेगरी को लेंगे, तब जाके देखेंगे कि आपका मेल फीमेल शॉर्ट। तो जनरली जब शॉर्ट करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, जैसे इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब शॉर्ट करते हो तो कभी कभी आपको यहाँ पे फील्ड के नेम नहीं आते हैं, यहाँ पे कॉलम ए बी सी इस तरह से आता होगा। ऐसा इसलिए आता है कि माई डेटा है जो यूजर यहाँ आप देख रहे हो वो क्लिक नहीं होता, अगर अनक्लिक कर दोगे तो इस तरह से कॉलम बज आएगा, क्लिक करोगे तो नहीं होगा। तो कॉलम बज आएगा तो आपका ये जो हेडिंग है ना ये भी सॉर्टिंग के प्रॉपर्टी में आ जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। एक काम और हम लोग करते हैं कि कभी कभी इस्तेमाल जो नहीं है तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई कोई भी चीज को कलर कर देते हैं, जैसे हाईलाइट कर, कुछ कलर वगैरह है तो हम हाईलाइट कर देते हैं। तो उस हाईलाइट में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कलर के हिसाब से शॉर्ट करें, डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को समझने के लिए हम कलर डालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सॉर्टिंग में जब कस्टम सॉर्ट आप करते हैं, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ जोन को लिया, और यहाँ पे सेल वैल्यू के जगह पे यहाँ पे हम सेल कलर ले लेते हैं। अब इसके बाद इसमें जितने भी कलर है, तीन कलर डाला मैंने, सारे कलर यहाँ पे दिख गया आपको। हमने कलर को सिलेक्ट किया और बोला ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम, आप ओके कर दो। देखिए येलो कलर था ऊपर आ गया। आपको दो कलर करना है तो फिर आपको कस्टम फील्ड में दो लेवल ऐड करने पड़ेंगे, ऐड लेवल। और सेम हमने जोन में गया और हमने सेल कलर ले लिए, और इसके बाद हमने इसमें सेल कलर में हमने इस कलर को लेके ऑन द ओके कर दिया। देखिए इस तरह से कलर इकट्ठा हो गया। कलर के अलावा अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई आइकन वगैरह भी इस्तेमाल कर रखा है, जैसे आपने इस आइकन को इस्तेमाल कर रखा है, चाहे इसको इस्तेमाल कर रखा है, तो इस आइकन के हिसाब से भी आप फिल्टर सॉर्टिंग कर सकते हो कस्टम सॉर्ट में जाके। तो सेलेक्ट किया डिलीट लेवल, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ उसमें क्वांटिटी, क्वांटिटी में गया। तो क्वांटिटी में आने के बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट कलर भी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को सिलेक्ट किया। अब किस आइकन को ऊपर रखना है उसको सेलेक्ट कर ले एंड ओके कर ले, वो आइकन आपके टॉप में आए। तो इसकी भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। अब शॉर्ट करते समय आप यहाँ ऑप्शन पे आएंगे तो वो सबसे पहले आता है केस सेंसिटिव। क्या होता है कि अभी केस सेंसिटिव नहीं है, मान लीजिए कि मेरा मोहन जो है अगर छोटा में भी लिखा हुआ है बड़ा में लिखा हुआ तो मिक्सअप आए। केस सेंसिटिव कर देंगे तो क्या करेगा कि स्मॉल लेटर को पहले इकट्ठा कर देगा और जो भी फील्ड के अंदर जो कैपिटल लेटर है उसको इकट्ठा कर देगा, तो केस सेंसिटिव यूज होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टॉप टू बॉटम, जो कि हम करते हैं, हम शॉर्ट को लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें एक अलग सीट के ऊपर डेटा को रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ मंथ, और दूसरा डेटा है हमारा सेल्स का, और यहाँ पे मैं जैन से या जुलाई लेता हूँ और यहाँ पे अपना डेटा डाल देता हूँ। अब मुझे डेटा के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये आपका लेफ्ट टू राइट। जब भी लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे आप अपना हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट करने में हेडिंग को स्किप करने का फीचर नहीं होता है। तो हम शॉर्टिंग में जाते हैं कस्टम शॉर्ट पे, और यहाँ हम ऑप्शन पे आके जैसे हम शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करते हैं यहाँ देखिए ए डिसेबल हो जाता है और यहाँ पे आपका रो वन रो टू आता है। तो रो टू के अकॉर्डिंग करना है सेल वैल्यू स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ओके कीजिए, आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो ए शॉर्ट हो गई। अब चलिए शॉर्ट में कुछ ट्रिक्स वाली चीजें हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे मुझे करना क्या है
मैं एक एक रो के नीचे एक एक कॉलम इस तरह से ऐड करना चाहता हूं। तो ऐसा तो मैनुअल करना पड़ेगा और मेरे पास तकरीबन 1700 डेटा है, 1700 बार करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि एक लास्ट में एक सीरियल नंबर को ऐड करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। फिर इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सीरियल नंबर को जो है हमारा उसको कॉपी करेंगे और फिर इसको नीचे पेस्ट करेंगे। अभी क्या है कंसेप्ट समझिए कि यहाँ पे मेरी एन कॉलन में वन दो बार लिखा हुआ है, एक वन के सामने आपका डेटा है और नीचे दूसरे वन के सामने आपका ब्लैंक रो है। जब हम इस सीरियल नंबर को अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो एक वन जो है उठ के इस वन के नीचे आ जाएगा, मतलब कि एक डेटा था और एक ब्लैंक रो उठ के आएगा, क्योंकि उठ के आएगा तो सिर्फ वन नहीं आएगा, पूरा का पूरा कॉलन लेके रो लेके आएगा, पूरा लेके आएगा। तो इसी से क्या होगा कि हमारे पास एक रो और एक कॉलम हो जाएगा जब हम इसको सॉर्ट करेंगे कस्टम सॉर्ट, और हम इसको ले लेते हैं और सेल वैल्यू ओके। तो एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम। इस तरह से अब इसमें एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं चाहता हूं एक नहीं, मान लीजिए कभी कभी डेटा ऐसा होता है कि तीन भाई उसमें टोटल का कॉलम ऐड करना, कई बार मुझे ऐसा डेटा मिला है कि एक दो तीन फिर यहां पे टोटल मुझे ऐड करना है, तो मैं चाहता हूं हर तीसरे तीन कॉलम के बाद रो को ऐड करें। तो मैं यहां पे वन 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 दो बार तीन बार लिखूंगा, फिर इक्वल करके पहले वाले वन में प्लस वन कर दूंगा, जब इसको ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि हर नंबर तीन बार रिपीटेड है, एवरी नंबर तीन बार रिपीटेड है। फिर इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको पेस्ट वैल्यू करता हूं और मैंने देखा कि मेरा हाईएस्ट नंबर क्या है 594। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे जो सीरियल नंबर नीचे लिखूंगा 594 तक वो लिखूंगा एक एक बार, या इसके लिए मैं यहाँ पे गया सीरीज में और स्टेप वैल्यू मैंने कर दिया 594 एंड ओके। तो 594 तक बन गया हुआ। फिर हमने इसको सिलेक्ट किया और कस्टम सॉर्ट, और इसको हम सीरियल नंबर पे जाते हैं सेल वैल्यू और ओके कर देते हैं। तो हर तीन रो के बाद आपका एक प्रॉब्लम है। अब एक चीज और भी है, तो चलो रो है आपका, लेकिन कभी कभी और एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास डेटा आता है उसमें कहीं कहीं भी बहुत सारे जगहों पे ब्लैंक रो होते हैं। तो उस ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए मोस्टली आप लोग क्या करते हैं, फिल्टर इस्तेमाल करके डिलीट करते हैं। लेकिन फिल्टर इस्तेमाल करके डिलीट करते समय एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका पीछे का डेटा डिलीट हो। तो उस केस के लिए भी आप सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो कि कस्टम सॉर्ट किसी एक के अकॉर्डिंग, जैसे कि एक आईडी के अकॉर्डिंग ओके कर, तो आपका पूरा नीचे का ब्लैंक एरिया नीचे आ जाए। अच्छा आप लोग फिर से एक बार ज्वाइन कीजिए तो प्लीज, टाइम एक्सपायर हो गया है।